भारतीय मजदूर संघ ने रोडवेज बस स्टैंड पर किया विरोध प्रदर्शन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भारतीय मजदूर संघ अजमेर इकाई की ओर से आज रोडवेज बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में लगातार हो रहे केंद्र सरकार की ओर से निजीकरण और श्रम कानून में बदलाव को लेकर भारतीय मजदूर संघ आंदोलन की रणनीति बनाते हुए अपने विरोध प्रदर्शन को उग्र करने में लगा है। इसके साथ ही रोडवेज कर्मचारियों को मासिक वेतन भी समय पर नहीं मिल पा रहा, वहीं रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों को भी विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इन सभी मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार से मांग की गई कि वह कर्मचारियों के हित में फैसले लेने, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या है और क्या मांगे आपकी? भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे आज पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार के श्रम विभाग से मान्यता प्राप्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ आज आंदोलन और प्रदर्शन करके ज्ञापन प्रसिद्ध कर रहा है। उसमें प्रमुख रूप से केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि अभी 44 श्रम कानूनों को हटा के और 4 वेज कोड बनाए हैं, उनमें सिर्फ एक कोड को छोड़ के 3 कोड जो है कर्मचारियों के बिल्कुल विपरीत नौकरी से निकालने वाली, शोषण करने वाली कार्रवाई है। इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेवें और साथ ही में राजस्थान रोडवेज में जो सरकार निजीकरण करने जा रही है उस पर रोक लगावें और माह सितंबर माह का भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ है जबकि दशहरा जा चुका है, दीपावली आने वाली है। एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि रोजी कपड़ा और मकान हम प्रत्येक कर्मचारी को और प्रत्येक निवासी को देंगे, लेकिन इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना का बहाना लेके ये रोजी रोटी पे संकट भी पैदा उत्पन्न कर रहे हैं जिसे भारतीय मजदूर संघ सहन नहीं करेगा। और अभी तो कोरोना का मद्देनजर रखते हुए हमने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक जो है सांकेतिक कार्यक्रम करा है, लेकिन यदि अब भी राज्य सरकार राजस्थान में नहीं चेती तो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में मजदूर और किसान आम वोटर का 80% है, ये 80% जो है मजदूर और किसान सड़कों पर आएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। बोला नाथ आचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ। प्रदर्शन क्या है और क्या मांग रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय के आह्वान पर निजीकरण के विरोध में और श्रम कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसके विरोध में संपूर्ण भारत में ये प्रदर्शन आज हमने रखा गया है। राजस्थान रोडवेज में भी आज समस्त कर्मचारियों ने अपने स्थानीय मांगों के हिसाब से भी ये प्रदर्शन किया है। हमारे द्वारा जो रोडवेज कर्मियों को माह सितंबर का भुगतान जो माह अक्टूबर 1 तारीख को मिलता है वो आज दिनांक तक नहीं मिला है, इसलिए हमने आज हमारे प्रशासन से मांग की है कि हमारे कर्मचारियों को वेतन शीघ्र मिले। इसके साथ ही राजस्थान रोडवेज में जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्हें जून 2016 से भुगतान नहीं हो रहा है। राज्य सरकार बार बार आश्वासन दे रही है लेकिन उनको भुगतान नहीं होने के कारण उनके अंदर काफ़ी रोष है और चूँकि उनकी जिम्मेदारी वो सेवानिवृत्त होने के बाद में परिवार रूप से ही बढ़ी है इसलिए उन्हें घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को जिसने कोविड के अंदर जनता के लिए राज्य सरकार से कंधा उसे कंधा मिला करके हमने हमारी सेवाएं दी हैं और हमने इस कोविड के अंदर जिस प्रकार से सरकार के हर कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी भी अपेक्षा करते हैं कि सरकार भी उसी अनुरूप से राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को ध्यान रखे और राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को भुगतान दे। पूर्व में भी जो हमारे राज्य सरकार के मंत्री हैं वो हमारे धरने प्रदर्शनों में काफ़ी बार आकर आश्वस्त कर चुके हैं कि भाई इन्हें भुगतान दिया जाए, समय पर भुगतान किया जाए, सातवां वेतन मांग दिया जाए, लेकिन आज दिनांक तक भी ये कोई मांग पूरी नहीं हुई है जिससे हमारे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। और अगर हमारी इसी प्रकार से सरकार अनदेखी करती रही तो राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी को मजबूरन आगे आंदोलन लेने पड़ेंगे और जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन और बाद के अंदर इस आंदोलन को आगे की रूपरेखा तैयार करके उग्र रूप से। मैं आनंद सिंह नयाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ।